हर पान की दुकान पे चरस, गांजा, गरत और क्या बटन वगैरह सब मिलता है। जितने भी पार्किंग में ऑटो खड़े रहते हैं, बच्चे पूरे ऑटो के अंदर बैठ के नशा पीते, दारू लेके बैठते, बटन्स खाते, क्योंकि कोई भी पुलिस का राउंड अप क्यों नहीं है। 5 बजे तक बच्चे तो नशे में बाहर रोड पे ही रहते, अंदर वो लोग घर के अंदर रहते ही नहीं है। माँ बाप ढूंढते रहते, बच्चे ऑटो पे छुपे रहते। तो हमारे यहाँ पे पुलिस का भी तो राउंड अप होना चाहिए ना, कि मॉर्निंग से ले मॉर्निंग में 5 बजे तक बच्चे नशा ही कर रहे। इतने नशे यहाँ पे बेचने वाले हैं ना, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। सीसीटीवी फुटेज हर जगह पे, मैदान के सामने किसी को बोलते है कि आने का नहीं, कुछ होता है और मैदान में दिन दहाड़े मर्डर हुआ हमारे बच्चे का। अभी भी वॉन्टेड में ही है वो, और उसपे वांटेड रहते पे भी उसने मर्डर किया है। हमजा को मारने के टाइम उसने ये भी बोला है लोगों को कि मेरा टारगेट 3 लोग थे, जिसमें से पहला टारगेट पूरा हो चुका है, अब 2 लोग कौन है वो तो हमको भी नहीं पता है। पहले जो मर्डर करते हैं ना, उनके घर वाले ये बोलते हैं क्या होगा, 3 महीने के बाद जमीन पे छुटकर आ जाएगा। ऐसे चीता कैंप में कितने लोग चले गए, कितने लोग का ऐसी मर्डर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मिमन फ्रॉम लैंडमार्क रेड्डी। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम मुमरा स्टेशन टू शिलफाटा, अलग अलग वेरिएंट्स में है। अब मेरे पास एक न्यू प्रॉपर्टीज आई है जो नियर टू पोजीशन है, 33 लाख से 1 BHK स्टार्ट होता है, जो मार्केट में सबसे चैलेंजिंग रेट है और ये नियर टू पोजीशन है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी आए तो क्या करना है पता है आपको, व्हाट्सएप करें। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ, मैं हुसैन से, तो आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे हम आपको लगातार चीता कैंप में किस प्रकार से आपराधिक गतिविधि बढ़ रही है उसके बारे में खबर दिखाते हैं, और लगातार हत्या की खबर आपको लगातार हम दिखाते रहते हैं किस प्रकार से चीता कैंप में बेखौफ अपराधी, जिन्हें ना पुलिस का खौफ, ना प्रशासन का खौफ, ना कोई कानून का खौफ, अपराध पे अपराध करने के बावजूद अपराधी गतिविधि पे लगाम लगाने के लिए पुलिस लाख प्रयास करती है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस इस क्षेत्र में नाकाम नजर आती है। क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं, हमजा नाम के एक शख्स की जो 2 दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी गई, और जिसके बाद में पुलिस अभी भी नाकाम है आरोपी को पकड़ने के लिए। हमारे साथ में हमजा की मम्मी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम शबाला बानो है। अच्छा, हमजा क्या काम करता है? क्या वो हमजा का कोरियर काम करता है। हमजा की हत्या कब हुई, क्यों हुई? हमजा की हत्या मतलब 16 तारीख को हुई है, दोपहर में हुई है। उसको फोन आया था घर से कि वो सोया था, उसको फोन आया तो वो यहाँ से हरजन भागा, और 1:15 बजे हम लोग को मालूम पड़ा कि उसका फोन हो गया। अच्छा, तो आप लोगों को मतलब इस चीज के बारे में जरा भी ऐसा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं था कि आपके घर का चिराग को इस तरीके से? नहीं, हम लोगों ने मानता, लेकिन लड़का खून करने के बाद हमजा मेरा पहला टाटू था, और 2 लड़के है, और 2 लड़के को मेरे को मारने गए, जो लड़का है सब बोलते बोलते फिरा था चाकू लेके मारने के बाद। अच्छा, उसने कुछ लाइव वगैरह भी किया था? उसका लाइव था नहीं, इंस्टाग्राम में कुछ आया था उसका। अच्छा, उसने मारा, जो मारा उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मोहम्मद नाम है। मोहम्मद नाम है। मोहम्मद और हमजा की कुछ पुरानी दुश्मनी थी? नहीं, कुछ पुरानी दुश्मनी नहीं थी। नहीं थी। अच्छा, मतलब आप लोग को जब हमजा घर से निकलता है 12 बजे, तो आप लोग को कब उसकी मौत की खबर आती है? हम लोग को 1:15 बजे कुछ खबर आई है। मैं जब काम से आई थी ना, जब मेरे को मालूम पड़ा, तो हम लोग भागे शताब्दी, वहाँ शताब्दी में लड़के को लेके चले गए थे उसको। पुलिस से ये पूछिए कि मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा आज मर के 3 दिन हो गया और लड़का अभी तक आया नहीं, और उसको खड़ी से खड़ी सजा मिलना चाहिए उसको, क्यों इससे आज मेरे बेटे को मारा, कल और 2 लड़के को मारने वाला है। आज को मैदान में मारे तो हम लोग को भी नहीं पता था कि हमजा था, बस चिता के में यही पूरा शोर था कि 10x10 के कोई लड़के को मारे। जब पता चलता है तो हम लोग जाते हैं वहां पे, तो हमको पता चलता है कि हमजा ऑफ हो चुका है। फिर उसके बाद जो वहां पर लोग थे उन्होंने हमजा को हॉस्पिटल लेकर गए, और अभी जो भी है बाकी का इसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं, बस इतना है 3 दिन हो गया है, अभी तक वो लड़के को अरेस्ट नहीं किए। बस हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो लड़के को अरेस्ट करे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। इससे पहले भी बहुत बार वो जा चुका है, उसके घर वाले भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, वो जाता है अपने से छुटकर आ जाता है। अभी भी वॉन्टेड में ही है वो, और उसपे वॉन्टेड रहते पे भी उसने मर्डर किया है। हमजा को मारने के टाइम उसने ये भी बोला है लोगों को कि मेरा टारगेट 3 लोग थे, जिसमें से पहला टारगेट पूरा हो चुका है, अब 2 लोग कौन है वो तो हमको भी नहीं पता है। बस हम यहाँ की पुलिस से यही चाहते हैं जो चीता कैंप में नशा होता है वो नशा बंद करे, और हर 2-3 महीने के बाद हर एक घर में मर्डर होता है। आज हमारे घर में हुआ, क्या पता इसके आगे भी कुछ होने वाला है, तो यहाँ की पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। बस यहाँ की पुलिस एक्शन ले और
है, जो भी हो रहा है, तो जल्द से कानूनी कार्रवाई करें। सबसे पहले चीता गेम से तो नशा ही बंद कराना चाहिए। अब हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ सेफ नहीं है, आगे हम इनका फ्यूचर नहीं देख सकते, तो इस वजह से हम लोग को ये भी डर है कि हम चीता गेम छोड़कर चले जाए। लेकिन चीता गेम की पैदाइश रहते हैं, हम लोगों को डर है नए नए लोग आके। इस पुलिस के बारे में नाकाम क्यों नजर आ रही है, पुलिस क्यों नहीं इस अपराधी गतिविधि में लगाम लगा पा रही है? हर टाइम एक मर्डर होता है, 4 दिन 8 दिन 1 महीने तक पुलिस स्टेशन में हो रहा था, फिर उसके बाद पुलिस खामोश हो जाती है, उसके बाद कुछ एक्शन ही नहीं लेती है, तो ऐसा कब तक चलेगा? हर एक के घर में यही होते रहेगा। आज हमारे घर का बच्चा गया, कल इसके बाद शायद और किसी के घर का बच्चा जाएगा। तो बस पुलिस से एक ही मांग है हमारी कि ये ऐसा जो भी हो रहा है, चाहे नशा हो या मर्डर हो, बस ये सब चीज को पुलिस यहाँ की बंद करवाना चाहिए। पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती है। हमेशा क्या यही चलते रहेगा जिंदगी भर, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम चीता गेम में सेफ नहीं है, तो हम लोग पुलिस से और जो यहाँ के लोग है तो सबसे एक ही मांग करते हैं, जो भी नशा हो रहा है, इतने नशे यहाँ पे बेचने वाले हैं ना, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। सीसीटीवी फुटेज हर जगह पे, मैदान के सामने किसी को बोलते हैं कि आने का नहीं, कुछ होता है, और मैदान में दिन दहाड़े मर्डर हुआ हमारे बच्चे का, तो जब पुलिस क्या कर रही थी? मैदान तो पुलिस स्टेशन से मुश्किल से 20 मीटर फुटेज है वहाँ पर, और कुछ नहीं करी पुलिस ने, अभी तक भी 3 दिन हो गया बस उसको ढूंढ रहे, ऐसा कब तक चलेगा और ऐसे कितने दिन लगेंगे? अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये बात मानते हो कि अपराधी गतिविधि जो करते हैं अपराधी, उनके दिल में अब पुलिस का खौफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनकी माँ लोग तक, घर वाले जो मर्डर करते हैं ना, उनके घर वाले ये बोलते हैं क्या होगा 3 महीने के बाद जमीन पे छुटकर आ जाएगा। ऐसे चीता कैंप में कितने लोग चले गए, कितने लोग का ऐसी मर्डर हो चुका है, आज हमारे घर में भी यही हुआ है। तो बस अब हम ये चाहते हैं इसके बाद आगे किसी के घर में ऐसा कुछ नहीं होए। हाँ, बेल 3 महीने में बोले हम पैसा खर्चा करेंगे, हमारे घर का बच्चा आ जाएगा, जिनका बच्चा अपराधी करता है उनके फैमिली वाले ये बोलते हैं, उनका बोलना है ये, परिवार वाले खुद उनको बढ़ावा। हाँ, परिवार का तो बढ़ावा है ही, बस यही चाहते हैं पुलिस से कि ये सब चीज चीता कैंप में बंद होना चाहिए, इसके आगे कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए। आज हमारे घर का बच्चा गया हमजा, तो हमको बहुत तकलीफ है, इसके बाद किसी के घर का ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल आप लोगों को सुन सकते हैं, साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि अपराधियों के दिल में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, जो कि ये कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के लिए एक चिंताजनक सा बनते जा रहा है, और खास करके ये चीता कैंप इलाका जहां पर आए दिन अपराधी गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही है, और लोग मौजूद है हमारे साथ में, उनसे ही बात करते हैं। इस हादसे के बाद कितना डर बना हुआ है? यहाँ सब लोग को डर है, कोई भी सेफ नहीं है, यहाँ ये होते ही रहता, और पुलिस भी आती थोड़ा दूर 2-3 दिन भटकती भटकती, बाद में सब कुछ साइलेंट हो जाता, कुछ भी नहीं रहता, उसके बाद सब साइलेंट हो जाता। तो कौन कौन है आपके घर में? किसके आपके घर में हमारे लड़का है जिसके लिए आपको डर है? है ना, बच्चे है ना, वो टाइम था, वो टाइम में पढ़ा लिया, अभी पढ़ा नहीं सक रहे। अच्छा। हाँ, बच्चे लोग को अभी पढ़ा नहीं सक रहे, सेफ नहीं है कुछ भी इधर, सेफ नहीं है। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा चाहिए, वो सुरक्षा पुलिस की तरफ से यहाँ पर दी नहीं जा रही है, और इसका एक वजह ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस में पुलिस की भर्ती की कमी, लोगों की कमी, और ख़ास करके ऐसे अपराधी गतिविधि को अपराधी जो अंजाम देते हैं उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए जो नशे के व्यापार होते हैं, नशा और मर्डर का पुराना संबंध है, क्योंकि नशा करने के बाद आदमी को होश नहीं, क्या कर रहे हैं इसके लिए वे कई लोगों का मर्डर कर देता है, नशा उतरने उससे होश में आता है तो मालूम पड़ता है कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। जो आई विटनेस है वो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानते, क्या नाम है तुम्हारा? जुनैद। तुम क्या कर रहे थे वहाँ? मैं सुबह में ना 12 बजे के टाइम पे मैदान में गया, मैदान में गया तो हमजा को पहले ही बच्चे लोग बहुत सारे फोन करके हमजा को मैदान में बुलाए। क्यों बोला बच्चे लोग क्यों बुलाए? ये जो पेंडाबाजी जिसने मर्डर किया ना, उससे एक रात पहले ना उसका लफड़ा हुआ था हमजा का, तो बच्चे के चक्कर में हुआ था उसका लफड़ा भी। क्या नाम बोले उसका नाम जिसका हमजा हम जिसने मर्डर किया? पेंडाबाजी, सबको मालूम है वो। तो पिछले रात में जब लफड़ा हुआ ना, तो सुबह में वो एक ही रट लगाया था कि माँ बहन के ऊपर गाली घिसा दिया, वो बच्चे के चक्कर में, जिसको उठाए थे ना, क्या नाम है, ततड़ के चक्कर में हुआ था, तो उसके मुँह पे एक ही वर्ड था कि माँ बहन के ऊपर गाली क्यों दिया। तो सुबह वापस से ततड़ को मारा ना वो, तो उसने फ़ोन किया कि भाई मैदान में आओ बोल के, तो कभी आता नहीं ऐसा, नॉर्मली 4:30-5 बजे आता वो, आराम से उठ के फ्रेश हो गए, वो टाइम पे 12:30-12 बजे एक बजे के टाइम पे वहाँ पे आ गया वो। अच्छा। तो वो पेंडा है ना दारू पी रहा था,
दारू पीता था ना, तो अचानक ने क्या करा, वो सर पे एक बॉटल फोड़ा उसके। किसके सर पे? खुद के सर पे, पेंडा पाजी ने। तो बॉटल उड़ के ना बच्चों को यहाँ पे लग गया, तो ना कि ना ऐसा आदमी हो गई उसकी, तो फवारे मारे थे खून के, तो कोई लेके उसको जा रहा नहीं था, तो उसको मैंने लेके भागा। मैं लेके भागा ना, तो फिर मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि हाँ हमजा भी वहाँ पे अकेला और वो भी अकेला, एक डर लगा मेरे को। तो 10 मिनट का ही टाइम था, बस 10 मिनट में फोन किया, तो उतने में 10 मिनट में मार दिया उसको। मैं वो सामान था उसके बाद एक। अच्छा, जो लड़के ने हमजा को फोन करके बुलाया था वो किस लिए बुलाया था, मतलब हमजा? अभी उतना नहीं मालूम है मेरे को उस बारे में, नहीं बाकी उसको मार रहा था ना उसके लिए बुला रहे हैं, आओ मार रहा बोल के। अच्छा, तो उसमें वो तो आता ही 4:30-5 बजे, वो टाइम पे 1 बजे आ गया मतलब वो, तो ये 1:30-2 बजे के बीच की बात है। तो मैदान में, ये मैदान में इतना फंड खा रहे मैदान का, हाँ एक कैमरा नहीं लगा सकते वहाँ पे, कितना पैसा खा रहे मैदान वाले, अभी कौन कौन खा रहा सबको मालूम है यहाँ पे। अच्छा, जैसा पेंडा पाजी आप जो बोल रहे हो, आरोपी सुनो एक बार, मार दे रहा वो जमा, जो आरोपी एक बार मेरी बात सुनो, जो आरोपी जब वो यहाँ से तड़ी पा रहे लोग बता रहे हैं, तो वो पुलिस स्टेशन के सामने बैठ के कैसे तड़पे सकते हैं? सब हो रहा चीताएम में, तुम कोई चीज बोल नहीं सकते, ये नहीं होता बोल के, चीताएम में सब होता। तो चौकी, हाँ उसको मार के 3 दिन हो गया भाई, चौकी के बाजू में जो लंबी गली है उधर पी रहे दारू, वो मार के कुछ नहीं कर रहा, मार के 3 दिन हो गया उसको। कहाँ है वो, किधर है, नहीं है जमा, किसको भी उठा रहे, वो छूट जा रहा भाई 4 घंटे के बाद, इसको उठा रहे 4 घंटे, कोई भी नहीं चौकी में, कहाँ है वो, 3 दिन से मार के भागेला, किधर है? मैदान का इतना पैसा खाते, हाँ मैदान का। अच्छा, किस चीज से मारा है हमजा को? सामान था बोल रहा ना भाई, इतना बड़ा। अच्छा, घुसाया वो सीधा उसको, जगह पे चले गया वो। तुम कहाँ थे तब? वही बच्ची को जो मारा था, वो बच्ची को लेके जब मैं भागा, तो 10 मिनट की बात है, मैं लेके गया तो मेरे को मालूम पड़ा कि हमजा मर गया बोल के वहाँ पे। अच्छा, मतलब तुम वहाँ मौजूद नहीं थे? मौजूद नहीं था। अच्छा, मौजूद नहीं था। आप, तुम्हारा नाम बताइए जरा। मेरा नाम अनवर हुसैन। क्या बोल रहे थे, बोलो। मैं कुछ नहीं है, तो आप जो बोले ना, जो उस जगह पे चौकी के बाजू में जो दारू पीने का, वो तो ग्राउंड तो काफी बाजू में, चौकी के बाजू में दीवार लग के दारू पीते, उसको क्या हाल है? अपराधी यहाँ से फरार है, उधर तो तड़ी पा रहे, वो लोग इसी क्षेत्र में आके इसी तरीके की अपराधी गतिविधि अंजाम देते है, तो इन लोग के दिल में क्या पुलिस का खौफ नहीं है? तो नहीं है ना, तो जब भी तो खौफ देते ना, तो पुलिस भी तो उसके साथ में रहेंगी ना, जब भी तो ये डर ही नहीं है उन लोग के दिल में। तो पहली बात तो भाई, एक ही बात है, चीता गेम के अंदर और नशा अलग है, मेडिसिन नशा ज्यादा हो गया, दारू तो एक नॉर्मल है, वो तो एक हिसाब से टैक्स के थ्रू लीगल थ्रू किया गया, बाकी जो अलग नशा दिया गया उसके लिए उसका हल क्या है ये तो बताओ, वो मालूम नहीं पता पुलिस को, 5 मिनट का काम है पुलिस का अपना नशा बंद कराने का। आप लोगों को इस चीज के लेकर कितना डर बना हुआ रहता है, क्योंकि डर तो बहुत है, मेरे बच्चे को भी रोड के ऊपर भेजने का डर है, अपने बच्चे को रोड के ऊपर भेजने के लिए डरना पड़ता, 10 मिनट से ज्यादा 15 मिनट खेलता स्कूल से आने के बाद, 15 मिनट 15 आधा आधा घंटे के अंदर बच्चे को बोले ये सोचता बच्चा घर पे आया कि नहीं आया, ये डर पैदा हो रहा अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए भी, मतलब ये हो गया, मतलब जैसा ये नशाबाजी की मुक्ति के अंदर अपने बच्चे को रोड के ऊपर छोड़ना गलत हो गया, वो हिसाब हो गया अपने को। क्या आपका नाम क्या है? मैं हमजा की बहन ही हूँ, पर मैंने ये चीज देखा कि यहाँ पर है ना रोड के ऊपर, खास करके मैं खुद, मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट से आते, हम लोग 5 बजे डरते, हम लोग ऊपर से जागते, क्योंकि जितने भी पार्किंग में ऑटो खड़े रहते बच्चे पूरे ऑटो के अंदर बैठ के नशा पीते, दारू लेके बैठते, बटन्स खाते, क्योंकि कोई भी पुलिस का राउंड अप क्यों नहीं है, 5 बजे तक बच्चे तो नशे में बाहर रोड पे ही रहते, अंदर वो लोग घर के अंदर रहते ही नहीं है, माँ बाप ढूंढते रहते, बच्चे ऑटो पे छुपे रहते, तो हमारे यहाँ पे पुलिस का भी तो राउंड अप होना चाहिए ना, कि मॉर्निंग से ले मॉर्निंग में 5 बजे तक बच्चे नशा ही कर रहे ऑटो में छुप छुप के जितने भी पार्किंग में बैठे हैं सब, वहां पर स्कूल के ग्राउंड के नीचे जो शटर लगाते हैं उसके नीचे बैठ के, वो पुलिस का काम है ना कि उनको चिल्लाकर भगाना कि यहां से निकलो जाओ घर पे टाइम हो गया, बट पुलिस देखती नहीं, राउंड अप पे भी नहीं रहती है, 5 बजे तक पूरा नशे करते सब बच्चे, और हम लोग तो रोड के ऊपर जितने भी घर वाले वो लोग थक जाते भगा भगा के वहां पर कोने कोने में क्या है ये, घर पे क्यों नहीं है बच्चे लोग? पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप लोग? मैं ये बोल रही हूँ कि ना अभी मतलब हमारे चीता के में तो बहुत ज्यादा हो गया ये, ठीक है, तो बच्चों को जो है माँ बाप ढूंढते वो लोग मिलते नहीं है, ये जो ऑटोस के अंदर बच्चे बैठ के नशा कर रहे इसको पकड़ो पहले, ये अभी माँ बाप बुलाते हैं तो वो लोग जाते नहीं है, नहीं तो कुछ भी झगड़े पंचायत होते, तो पुलिस का ही तो कम से कम डर रहना चाहिए ना, बच्चों लोग को बुलाएंगे तो वो लोग आके डंडे मारेंगे 1 से 4 बार या उठा के लॉकअप में डालेंगे, तो बच्चों को हिम्मत नहीं है ऑटो के अंदर भी बैठ के करने के लिए, और पूरा हमारे घरों में बास आती है गांजे की, इसकी उसकी, कितना स्मेल आता है, अगर से तुम ऊपर के घर में रहते हो नीचे रोड में रह के तो घर के अंदर स्मेल आता है पूरा, और तुम उनको भगाने के लिए जाओ तो तुमको वार्निंग मिल जाती है, तुम्हारे बच्चों, फिर हम हमारे बच्चों को नहीं भेज सकते, हमारे गाड़ियां खराब कर देते, हमारी गाड़ी को तोड़ देते,
करे तो आखिर क्या करे, तो हम लोग को तो पुलिस का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा, हम लोग को तो पुलिस का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा ना। हम लोग किसके पास जाएंगे, हम लोग भी गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग जाकर लड़ नहीं सकते सबसे, सब अपने बच्चों को कैसे सेव करेंगे। अभी हम लोग का भी दिल कर रहा है कि चीता गेम छोड़कर बाहर चले जाए, हम लोग बचपन से यहाँ पर पले बड़े वे सब हुए, पर अभी हमारे बच्चों को स्कूल में भी सेफ्टी नहीं नजर आ रहा, स्कूल के शटर के नीचे बैठे, तो क्या कोई भी डर नहीं है, पुलिस को ही डर रहेगा। थोड़ा रात में राउंड अप के लिए मैं बोलती हूँ कि बहुत तकलीफ होती है। थैंक यू। क्या बोल रहे हो? मीडिया के अंदर है ना भाई बहुत ताकत है, तो मेरी एक दरखास्त है कि कैमरा लगाया जाए मैदान में। आप ये गुजारिश करो कि कैमरा लगाया जाए, क्योंकि हाँ लगा क्यों नहीं कैमरा, अभी तक का नहीं लगा बोलते, टेंडर में पास भी हुआ बोलते, हाँ पूरा पैसा खाते भाई, तो कैमरा लगाओ कि कुछ भी हो जाए तो सडनली मालूम पड़ जाना चाहिए कि वो मैदान में क्या हुआ। अभी लाइव इंटरव्यू देने भी डर लगता कि कौन क्या सोचेंगे अपने बारे में बोल के। हमजा ने वीडियो भी बनाए थे कुछ लाइव वगैरह, हमजा ने कौन सा पेंडा, वो सब मैं वो देखा नहीं वीडियो में, नहीं ऐसा कुछ सुना आपने? नहीं नहीं वीडियो हाँ सुना था मैं ऐसा, लेकिन मैं देखा नहीं वो वीडियो। ऐसा बोला कि दो टारगेट और है उसका, नहीं नहीं नाम तो नहीं बता लोग का कौन है अभी उसको। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार किया है, किसी से पूछताछ करे इस बारे में? उसमें पूछताछ में दो लड़के लोग है, मेन जो आरोपी अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, दो लड़के को जमा करे और सामने वाले का जो लड़के ने मर्डर करा है उसकी फैमिली को जमा करे। अब उसमें फैमिली का कोई कुछ नहीं, जो मेन आरोपी है उसको ढूंढ के लाओ ना तुम लोग। और सबसे पहली बात जो है नशा बंद कराओ, चीता कैंप की पान की दुकान के अंदर क्या नहीं मिलता आपको, वो आप अभी मेरे साथ में चलो, कोई नशेड़ी को लेके मैं आपको बताता हूँ। हर पान की दुकान पे चरस गांजा गरत और क्या बटन वगैरह सब मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है सब, कोई भी पान की दुकान। तो बहरहाल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नशा और हत्या का पुराना संबंध है, नशा करने के बाद लोगों को होश नहीं है तो क्या कर रहे, इसके कारण हत्या हो जाती है। ऐसे ही ये मामला चीता गैंग का सामने आया था, 3 दिन हो गया है, आरोपी फरार है। अब देखना ये रहेगा कि पुलिस इस आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है और इस पे धारा 302 के तहत तो मामला दर्ज कर दिया गया है, मगर इस पे MCOC के तहत भी मामला दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए।